चर्चा एक बार फिर कांग्रेस की सीटों पर सस्पेंस को लेकर, नित नए नाम सामने आ रहे हैं, नए नए तेवर, नए राजनीतिक एंगल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की सीटों पर सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर रांची, धनबाद, गोड्डा और चतरा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस आज कर सकती है सीटों पर घोषणा। बड़ा नाम एक आ गया है रांची से, बन्ना गुप्ता का नाम अब आगे चलने लगा है। सुबोध कांत सहाय को पीछे छोड़कर, राम टहल चौधरी को पीछे छोड़कर, धनबाद से अनुपमा सिंह, बेरमो विधायक अनुप सिंह की पत्नी, गोड्डा से दीपिका पांडे प्रदीप यादव को पछाड़कर फिर आगे निकली हैं। और लेकिन चतरा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में पेच फंसी हुई है। कांग्रेस केएन त्रिपाठी को चुनाव लड़ाना चाहती है, दावेदारी केएन त्रिपाठी की है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि अगर अरुण सिंह को कांग्रेस टिकट देती है तब आरजेडी को कोई समस्या नहीं। अब गठबंधन के दल भी बता रहे हैं कि आप अपने दल से किसको टिकट दे सकते हैं, अन्यथा गठबंधन को समस्या हो सकती है। लालू यादव ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से बात की है, कई आलाकमान से बात की है। तो गठबंधन में रहना है तो आपको गठबंधन का धर्म भी निभाना होगा, गठबंधन से पूछकर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करनी होगी। चतरा कुछ ऐसा ही बता रहा है, ऐसा ही बयान कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर खाने से चर्चा है कि चतरा केएन त्रिपाठी को लड़वाना चाहता है चुनाव, लेकिन चतरा सीट पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पेच आ गया है। लालू कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अरुण सिंह को टिकट देगी तो मुझे कोई समस्या नहीं, आरजेडी को कोई समस्या नहीं, आरजेडी वो सीट नहीं लेगी। लेकिन अगर अरुण सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो आरजेडी एक बार फिर 2019 की तरह दोस्ताना संघर्ष दोहराने पर आमादा ना हो जाए। समझते हैं, हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, क्या लगता है आज घोषणाएं हो जाएंगी? 31 दिसंबर 2023 से यह सस्पेंस चल रहा है। पहले कहा गया कि सीटों पर भागीदारी सुनिश्चित हो चुकी है, फिर कहा गया नाम फाइनल हो गए हैं। आपने भी बताया कि नाम प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा न्यूज 11 से बातचीत करते हुए कहा, राजेश ठाकुर जी ने, कि सारे नाम फाइनल हो चुके हैं। नया नाम आ गया है, बन्ना गुप्ता का नाम आगे जा रहा है, अरुण सिंह का नाम आगे जा रहा है, दीपिका पांडे प्रदीप यादव को पछाड़ कर आगे निकल रही है। एक धनबाद ही ऐसा है जहां अनुपमा सिंह का नाम शुरू से चल रहा था, आज भी अनुपमा सिंह का नाम आगे है। पहले यूथ कांग्रेस के नेता कुमार गौरव का नाम आगे चल रहा था, लेकिन बाद में अनुपमा सिंह का नाम आगे चलने लगा। अमर, देखिए, जब चुनाव आते हैं तो हर प्रत्याशी अपने अपने तौर से जो है फीडबैक देते हैं और उसी को लेकर के चर्चा भी होती है, पार्टी करती भी है कि अपने सबसे बड़े मजबूत उम्मीदवार का। लेकिन सवाल उठता है कि अब जो है फाइनल स्टेज में है, आज हो सकता है कि अनाउंसमेंट कर दिए जाएंगे, क्योंकि कल जब हमारी सीएलपी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आज तो संडे है, आज नहीं हो पाएगा, कल यानी आज के बारे में बताया उन्होंने कि आज अनाउंसमेंट कर दिए जाएंगे। जो हमारे सोर्सेस का कहना है कि प्रदीप यादव को गोड्डा से सीट दिया जा सकता है, धनबाद से अनुप सिंह की पत्नी को दिया जा सकता है, कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार बना सकती है, रांची की जहां तक बात है सुबोध कांत सहाय को पार्टी जो है अपने उम्मीदवार बना सकती है, मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। और जो चतरा सीट है उस पर केएन त्रिपाठी का नाम सबसे ऊपर है और पार्टी जो है उसके ऊपर अपना उम्मीदवार चयन कर सकती है, केएन त्रिपाठी के ऊपर पार्टी दांव खेल सकती है। चार नाम है और हो सकता है कि इसमें जो नाम हमने बताया कि वही नाम हो और इसकी अनाउंसमेंट जब सामने हो तो और खुलासा हो जाएगा। जो सोर्सेस का कहना है बिल्कुल साफ है कि सब कुछ तय है, सिर्फ जो पार्टी के संगठन मंत्री संगठन के सचिव हैं उनका साइन बाकी है, इस वजह से लेट हो रही है। अब सवाल उठता है कि आज शाम तक जो है संगठन सचिव के उस पर सिग्नेचर हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों ने अपने सिग्नेचर अपनी ओर से मुहर लगा दी है, सीसी हो चुकी है, स्क्रीनिंग उससे पहले भी कर लिया गया है, तो अभी कोई संभावना बदलने और आने और जाने का मुझे नहीं लगता है। तो अमर, बन्ना गुप्ता, बन्ना गुप्ता का नाम स्क्रीनिंग में गया था क्या, या सीसी की बैठक में नाम गया था बन्ना गुप्ता का? क्योंकि रांची से जिन नामों पर चर्चा थी उनमें सुबोध कांत सहाय का नाम था, उनमें विनय सिन्हा दीपू के नाम की चर्चा आ रही थी, जो प्रदेश कमेटी ने 3 नाम भेजे थे स्क्रीनिंग के लिए। बन्ना गुप्ता का नाम लैंडिंग कैसे हो जाता है अचानक? देखिये, बन्ना स्क्रीनिंग कमेटी पे बन्ना गुप्ता का कहीं नाम नहीं था और ना ही उस पर कोई चर्चा की गई, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। हाँ, बीच में इस बात की चर्चा हो रही थी कि सुबोध कांत सहाय इतने दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं और बुरी तरह से हारे हैं, तो उसके ऊपर भी एक बार विचार किया जाए, लेकिन स्क्रीनिंग में उस बात पर चर्चा हुई। उसके बाद जब आपको रोका गया, आपने देखा होगा कि
तीन लिस्ट जब जारी किए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के, तो उसमें सुबोधकांत सहाय का नाम को रोक दिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है सारी सहमति बनी और उसके बाद कहा जा रहा है कि उनको अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बना सकती है। क्योंकि जो लटन अमर अमर चतरा का विवाद कैसे सुलझेगा, चतरा में कांग्रेस चाहती है के एन त्रिपाठी को चुनाव लड़ाना, अभी के एन त्रिपाठी की बात बता रहे कि उनका नाम आगे चल रहा है, लेकिन आज जानकारियां जो छनकर सामने आ रही हैं, आरजेडी सुप्रीमो कह रहे हैं कांग्रेस को कि अरुण कुमार सिंह को टिकट दीजिए, अगर अरुण कुमार सिंह को टिकट देंगे तो चतरा में आरजेडी को कोई ऐतराज नहीं, के एन त्रिपाठी को देंगे तो क्या चतरा एक बार फिर 2019 की तरह दोस्ताना संघर्ष दिखाएगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि संगठन और मुझे लगता है कि जो समझौते गठबंधन इस तरह से नहीं चलता है कि एक दूसरे के ऊपर खुले आम आप दबाव दे सकते हैं। जो मेरे सोर्सेस का कहना है कि हमारा आरजेडी से कोई बातचीत नहीं है इस मुद्दे पर, क्योंकि हमने अपने स्क्रीनिंग में और हम अपने सीईसी में हम अपने उम्मीदवार का नाम तय कर दिया है और आरजेडी को पहले इस बात की जानकारी दे दी गई है। अरुण सिंह फिलहाल आरजेडी में है और आरजेडी से वो टिकट उनको दिया जा सकता है और आरजेडी कभी भी दबाव नहीं बनाएगी कि अरुण सिंह के लिए कि अरुण सिंह जो है कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े, क्योंकि पहले आरजेडी से उनको रिजाइन करना पड़ेगा। चलिए कई तरह के कयास है अमर, लेकिन इसी बीच अगर सीटों की घोषणा हो जाए तो प्रत्याशियों के लिए शायद ज्यादा आसान होगा चुनाव में उतरना, चुनाव की कैंपेन शुरू करना। सारे त्योहार गुजर गए, जनाधार बटोरने का समय था वो तो गंवा ही चुके हैं, आलाकमान के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं प्रत्याशी, और सारे के सारे प्रत्याशी एक ही क्षेत्र में अलग अलग तरीके से दमखम लगा रहे हैं, टिकट किसको मिलेगा, दावेदारी किसकी ज्यादा मजबूत है, इसके भी तमाम कयासी लगाए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद अमर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।